थाने पर किया था हमला, आरोपियों को छुड़ाया था और बंदूक लूटकर ले गए थे। जी हाँ, जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, बुरहानपुर जिले का आपको मामला पता होगा, नेपा नगर का। यहाँ पर बंदूक को लूटा गया था थाने से, थाने पर हमला किया गया था और तीन आरोपियों को छुड़ा लिया था उन लोगों ने जिन्होंने जंगल पर अतिक्रमण कर रखा है। अब इस इलाके में पुलिस ने अपना एक्शन लिया है, पुलिस ने सबक सिखाया है। ऐसे लोग जिन्होंने हमला किया था उनको सबक सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन ने यहाँ बुलडोजर चलवाया है, घर ढा दिए गए हैं। आपको बता दें कि अधिकांश हमला करने वाले जो आरोपी हैं उनका गांव सिवल गांव है। पूरा इलाका में आलम यह है कि छावनी में तब्दील कर दिया गया इलाके को, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, यहां तक कि घरों में दुबके हुए हैं हजारों लोग। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे इलाके में चार जिलों से पुलिस बल को बुलाया गया है और उतनी ही संख्या में पुलिस के वाहन भी पहुंचे हैं। इलाके में पूरी तरीके से लोगों से ये भी अपील की गई, लोग घर से बाहर ना निकले और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। एसपी बता रहा है कि पूरी तरीके से अब स्थिति जो है उसको काबू में पाने की कोशिश की जा रही है और हमला करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। कि एक अस्पताल में एक युवक जो है वो भर्ती हुआ है, उसका अभी तहसीलदार मैजिस्ट्रेट की तरफ से बयान लिए गए हैं। बयान में ये स्पष्ट हुआ है कि जो युवक जिसको पीछे एक बंदूक का छर्रा लगा हुआ है, वो उसके द्वारा बयान दिए गए हैं कि ये एक अतिक्रमणकारी था। बाकड़ी में फूल सिंह के साथ में इसके नवाड़ के संबंध में कुछ झगड़ा जो है वो काफ़ी दिनों से चल रहा था। आज इसको फूल सिंह के द्वारा बंदूक से इसके ऊपर वार किया गया और जिसमें इसको एक छर्रा लगा हुआ है। आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, इसमें बयान लेकर पुलिस जो है वो नेपानगर थाने पे 307 का मामला फूल सिंह और उसके भाई रेव सिंह के खिलाफ मामला कायम करने के लिए भेज दिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। एसपी जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले के, लेकिन आपको बता दूं कि ये मामला काफी हैरान करने वाला था। आज ये पहली बार नहीं हुआ इस तरीके से। इस इलाके में लगातार कहा जाता है कि जंगल पर कब्जा किया गया है ऐसे ही गांव के कुछ लोगों के द्वारा, और बहुत पुराना कब्जा है और अक्सर इनकी पुलिस से झड़प होती है, पुलिस से भिड़ जाते हैं। एक बार फिर ये मामला आया है जहां पर अधिकांश आरोपी, जैसा मैंने आपको बताया, सिवल गांव है। यहां पर तो सिवल गांव जो है नेपानगर थाना अंतर्गत आता है, यहां पर अधिकांश आरोपियों के घर है। वहीं पर प्रशासन ने एक्शन लिया है और पुलिस की तैनाती इस कदर की गई है कि सिवल गांव में जाने से पहले लोगों को रोका जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से अब एक्शन में, क्योंकि ये बड़ी घटना हुई थी थाने पर हमला करने की, आरोपियों को छुड़ाने की और बंदूक लूटने की। इसके बाद पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में। बुरहानपुर से आप तक एक खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता अशोक सोनी ने, आप देखते रहें अभी तक।